रेमी भक्त उधर राजा संजय सिंह को अपनी बेटी सीरियल की चिंता होती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन सीरियल भी जवान हो रही थी। अपने राज्य के नाई व पुरोहित को बुलाकर सीरियल के लिए कोई अच्छा सा वर अच्छे से खानदान में खोजने की जिम्मेवारी देते हैं। और राजा संजय सिंह क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं इस बात के माध्यम से। अरे राजा संजय सिंह की लाडली कुमारी सीरियल हुई जवान, अरे राजा संजय सिंह की लाडली कुमारी सीरियल हुई जवान। राजा ने हुक्म सुनाया, नाई और प्रहित को बुलवाया। कैसे? राजा ने हुक्म सुनाया, नाई प्रोहित बुलवाया। राजा ने हुक्म सुनाया, नाई वे प्रोहित बुलवाया। अरे सीरियल की कराओ सगाई देख अच्छा वर और खानदान, अरे सीरियल की कराओ सगाई देख अच्छा वर और खानदान। अरे राजा संजय सिंह की लाडली कुमारी सीरियल हुई जवान। भाई प्रेमी भक्तों जम के जरा, राजा की बात सुनकर नाई और प्रोहित रानी सीरियल के लिए वर खोजने के लिए चल पड़े। चलते चलते बागड़ में पहुंच गए। और क्या सुन हुक्म को दोनों धाए बागड़ में पहुंचे जाए। सुन हुक्म को दोनों धाए बागड़ में पहुंचे जाए। अरे सीरियल की करिए सगाई जा हर संग सुनो बयान, अरे सीरियल की करी सगाई जाहर संग सुनो बयान। अरे राजा संजय सिंह की लाडली कुमारी सीरियल हुई जवान। वापस जब दोनों आए राजा को हाल सुनाए। वापस जब दोनों आए राजा को हाल सुनाए। अरे गुस्से में राजा बोला तुम्हारी मती भई बोरान, अरे गुस्से में राजा बोला तुम्हारी मती गई बोरान। अरे राजा संजय सिंह की लाडली कुमारी सीरियल हुई जवान। सामान जो वापस लीना दोनों ने वचन एक दीना। कहीं और मिला नहीं लड़का उन दोनों पे राजा भड़का।
का, अरे राधे श्याम हुआ दीवाना, जिसको नहीं लिखने का ज्ञान, अरे राजा संज्ञा सिंह की लाडली कुमारी सीरियल हुई जवान, अरे राजा संज्ञा सिंह की लाडली कुमारी सीरियल हुई जवान। प्रेमी भक्तों, चंदा कैसेट के माध्यम से आप सभी जहरवीर प्रेमियों की सेवा में ये पहला भाग यही समाप्त है, और आगे का किस्सा आप चंदा कैसेट के माध्यम से ही दूसरे भाग में सुनेंगे। बोल बाबा जहरवीर की, बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल माता बाछल की, बोल गुगा मेरी मंदिर की, बोल ददरेवा शहर की,